नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। हरदोई के बैनीगंज में नगर की कुर्सी रोड स्थित श्री विजेंद्र कॉलेज ऑफ साइंस विद्यालय के प्रांगण में 7 से 14 नवंबर तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होगा। इस समारोह में वृंदावन धाम के कथाव्यास परम संत श्री धनवंतरी जी महाराज कथा सुनाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान में श्रीमद भागवत कथा के अलावा वेदी हवन का आयोजन भी होगा। बृहद धार्मिक आयोजन में जनपद के कई साधु संत और विद्वान समाज से भी एकत्रित होंगे। मुख्य यजमान दिनेश कुमार अग्निहोत्री की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। 7 नवंबर दिन सोमवार को गाजे बाजे के साथ पूरे नगर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शाम की बेला में कथा का आयोजन शुरू होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरजेश तिवारी ने बताया कि इस बार 23वीं श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में श्री वृंदावन धाम के परम संत श्री धनवंतरी जी महाराज सहित जनपद के कई संत महात्मा और विद्वान समाज सेवी शामिल होंगे। श्रीमद भागवत कथा के आयोजन का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक है। शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। इसके बाद 14 नवंबर दिन सोमवार को पूर्ण आहुति एवं विशाल भंडारे के साथ ही कथा का समापन किया जाएगा, जिसमें पावन तप भूमि नैमिषारण्य से सौदंडी स्वामी संत पधारेंगे, जो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तत्पश्चात 14 नवंबर को ही अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 7 बजे से किया जाएगा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। भागवत कथा का आयोजन कब से कब तक है? इस भागवत कथा का आयोजन 7 नवंबर से 14 नवंबर तक है। 13 तक कथा चलनी है। 14 को विशाल भंडारे का आयोजन है और शाम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का एक साहित्यिक कार्यक्रम भी विद्यालय में होगा। इसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं और अभिभावक सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और क्षेत्र में इस कथा का लोगों को इंतजार रहता है। और इस बार इस कथा में हमारे कथा प्रवक्ता वृंदावन से परम संत धन्वंतरी जी महाराज जी के द्वारा इस कथा का कार्यक्रम होना है। उनके मुखारविंद से कथा का आयोजन यहाँ पर होना है। कहाँ कहाँ से संतों का आना जाना रहेगा? इस संतों का कल एक जो शोभा यात्रा निकलनी है, हमारी माताएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। उनके साथ साथ व्यास जी के अलावा नैमिषारण्य की तपोभूमि से लगभग 100 संत, जो दंडी स्वामी हैं उनको, और सर्वेश्वरानंद जी के परम शिष्य जो रहे हैं शाश्वतानंद जी महाराज के अध्यक्षता में, उन सभी संतों का नगर भ्रमण होना है। नगर के लोग पूरी तरीके से गलियों से संतों को निकलते हुए उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने का उनका भाव है, जिससे निश्चित रूप से एक शांति और सुख समृद्धि की संकल्पना हम लोग करते हैं। इस सभी के कल्याण के लिए और सभी के सुख के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आयोजक और यजमान की जिम्मेदारी कौन निभाता? अब आयोजक क्या सार्वजनिक रूप से इस कार्यक्रम को रूप दिया जाता, विद्यालय का कार्यक्रम है तो अब हम विद्यालय प्रेमी जूनियर स्कूल के प्रधानाचार्य रहे दिनेश कुमार अग्निहोत्री जी, उस सपत्नीक इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में इस बार रहना है। बाकी 7ों दिनों तक 7 सह यजमान सपत्नीक रह करके इस कथा को पूरा अंतिम रूप देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।